भाई शिवराज, इनका काका प्रभु सिंह और तीन चार लोग जो घर वाले थे उन सबको उठा के उन गाड़ियों में भर के वहाँ गांव की सरहद पे, अभी तक वहाँ पर पुलिस ने पूरी घेराबंदी करी हुई है और उनको वहाँ पर उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे व्यथित होकर International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. मैं भावनेश्वरी कांत उर्फ रिंकू कांत, wife of धन सिंह पिपोड़ी. भावनेश्वरी कांत उर्फ रिंकू कांत, wife of धन सिंह पिपोड़ी. आज सुबह सुबह स्पेशल टीम आई थी हमारे घर पे. मैं शस्त्र धारा में गई हुई थी कल. मेरे पियर जड़ावता और शस्त्र धारा में आए हुए थे. गई थी मैं और वहाँ पे है ना स्पेशल टीम आई सुबह 4-5 बजे के करीब और मेरे को सबको धमकाने लगे. हम सब लेडीज लोग थे वहाँ पे और शिव बीमार था तो वो घर पे लेटा हुआ था, सो रहा था वो. तो और उसको भी है ना नींद में जगह के उसको भी उठा के ले गए, जबकि उसके पाँव में फ्रैक्चर भी है. अन्य मेरे काकों से हुक्म है प्रभु सिंह जी, उनको भी उठा के ले गए और हमारे को धमकी देने लग गए. एक पिंकू दाद भी है हमारे मामूसा के लड़के, उनको भी लेके गए हैं और बोल रहे हैं इनको जब भी छोड़ेंगे, जब धन सिंह पिपोड़ी हमारे कब्जे में आएंगे पुलिस वाले. और इनकाउंटर का और बोल रहे हैं. क्या धन सिंह जी थे क्या वहाँ पर? नहीं थे सर, मेरे टर्म्स में है ही नहीं, मेरी फैमिली के टर्म्स में भी नहीं है. बाकी बहुत परेशान कर रहे हैं, तोड़ फोड़ अभी जैसे पिपोड़ी में भी बहुत तोड़ फोड़ हुई है और यहाँ जड़ावता में भी कर रहे हैं. दूसरी बात, हमारे को धमकी दे रहे हैं कि इनका इनकाउंटर करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, आधे घंटे में, देखना आप कितनी गोलियाँ मारते हैं. और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई मारे, जैसे तैसे उनको जेल भेज दे बस, और जो भी है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करो भले. बाकी बच्चे भी हैं मेरे, चार बच्चे हैं मेरे सब. और मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को कुछ नहीं हो, कानून कार्रवाई से उनको भाई पकड़े वाले और मेरे परिवार वाले को और इनको परेशान नहीं करे. और फार्म पर हर जगह ऑफिस में हर जगह तोड़ फोड़ करके आए हैं पिपरोली में और मेरे घर वाले को भी सबको बंदी बना रखे हैं अभी भी. और अभी मैं छुप छुपा के कैसे तैसे यहाँ सोडी भैया के पास आई हूँ. मेरे पास आज एक वांछित है धनु प्रताप सिंह उर्फ धनसा, पिपरोली निवासी, जो कई प्रकरणों के अंदर कुछ प्रकरणों में उसकी जमानत जब चल रही होने से वो वांटेड चल रहा था. आज मेरे पास उनकी पत्नी श्रीमती रिंकू कंवर और उनका बच्चा ये न्याय की गुहार लेकर इस सिलसिले में आए कि इनको पूर्णतः ये खतरा हुआ आज कि धन सिंह का पुलिस इनकाउंटर करने की मंशा से आज सुबह 4 बजे इनके पियर जड़वाता पे, जहाँ पर ये सेस धारा के कार्यक्रम के लिए गई हुई थी, वहाँ पर सुबह लगभग 6 बजे 3 गाड़ियों में 15 से 20 पुलिस वाले, जिन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया पर थे सादे वर्दी में, वो लोग जबरन घर में घुस गए, तोड़म फोड़ी शुरू कर दी कि धन सिंह कहाँ हैं. जब इन्होंने कहा भाई हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि धन सिंह कहाँ पर है, तब उन्होंने वहाँ पर इनको धमकी दी कि या तो धन सिंह का पता बता दो नहीं तो उसको इनकाउंटर करके जान से ख़त्म कर देंगे. उसके बाद भी जब बढ़ती इन्होंने कहा साहब हमें नहीं इस बारे में जानकारी है, उसके बाद भी वो नहीं माने और घर पे जो मौजूद सदस्य पुरुष सदस्य मिले, जैसे कि जिनमें इनका भाई शिवराज, इनका काका प्रभु सिंह और 3-4 लोग जो घर वाले थे, उन सबको उठा के उन गाड़ियों में भर के वहाँ गाँव की सरहद पे, अभी तक वहाँ पर पुलिस ने पूरी घेराबंदी करी हुई है और उनको वहाँ पर उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे व्यथित होकर ये आई है और इसको पूरा खतरा है कि इसके पति को पुलिस जान से ख़त्म कर देगी. इन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि भाई हम कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, जैसे ही उसकी हमें जानकारी मिलेगी हम उसको खुद लाकर कोर्ट में सरेंडर कर देंगे. उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इस तरीके से कौन सा गुंडाराज यहाँ पर चला रहा है. पर वो नहीं माने साहब और ये जैसे तैसे बच के अभी वहाँ से आई है यहाँ मेरे पास में और आकर आप लोगों के समक्ष ये बैठी. सर कौन सी जगह थी ये? दूधू के पास इनका पियर है जड़ावता. तो क्या परिवार पेश कर रहे हैं या इनको? नहीं, आज इनको ये एसपी साहब के समक्ष भी पेश करेंगे और जरूरत पड़ी तो आईजी साहब के समक्ष भी पेश करेंगे.
क्योंकि इन मेरा तो ये कहना है कि अगर धन सिंह है वांछित, किसी प्रकरण में है अपराधी, उसको कानून व्यवस्था से जैसे होता है वो गिरफ्तार हो, नहीं गिरफ्तार होता तो जो कदम गिरफ्तारी के लिए उठाए जाते हैं संपत्ति कुड़की के 82-83 की कार्रवाई करें, उसकी संपत्तियां कुड़ करें। पर ये कौन सा तरीका है कि उसके परिवार जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं उनको जाके हैरान परेशान करना, उनको इस तरीके से हरेस करना, तो ये तो कहीं का कानून नहीं है। और प्लस जाकर आप फैमिली में उनको धमका रहे हैं कि उसका इनकाउंटर कर देंगे, ऐसा कौन सा अपराध है कि उसको इनकाउंटर की आवश्यकता, कौन सा इस तरीके का कोई डाकू डकैत की उसकी मुकदमे चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जैसा भी है जो लॉ का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए, और अनड्यू एडवांटेज लेकर किसी भी व्यक्ति की जान को ऐसे बर्बाद ना करें, बस मेरा इतना सा आपसे निवेदन है। और इसी सिलसिले में हम एक लिखित रिप्रेजेंटेशन भी अभी SP महोदय साहब के यहाँ इनको पेश करेंगे खुद ही, और IG साहब, गुरप्रीत सिंह सोडी, एडवोकेट।